हे गाइस, मैं उमेश हूँ। वेलकम बैक हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंपल मोबाइल से क्लिक की गई फ़ोटो को आप DSLR इफेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यार, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लूमियो कैम एप्लीकेशन से आप पिक क्लिक करें, क्योंकि उसमें DSLR इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन DSLR इफेक्ट्स फ़ोटो क्लिक करने से कुछ नहीं होता, उसमें बाद में एडिट भी करना पड़ता है, इसलिए वो प्रोफेशनल लगता है। तो चलो यार, मैं आपको बताना चाहूँगा, लूमियो कैम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलो शुरू करते हैं। एक विनती ज़रूर है मेरी आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो यार, शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सिंपली पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद लूमियो कैम से क्लिक की गई फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली टूल्स पे क्लिक करके एडजस्ट में जाना है, और एडजस्ट में जाने के बाद ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के बाद ये थोड़ा प्रोफेशनल लगने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेचुरेशन में जाके 100 पे कर देना है। उसके बाद आपको इसे सेव कर देना है, और अगेन आपको सेचुरेशन में जाके उसे इंक्रीज़ कर देना है। फिर से आपको टूल्स में जाके, एडजस्ट में जाके, सेचुरेशन में जाके इसे 100 कर देना है। ऐसे अगर हम गाइस 3-4 बार करेंगे तो ये बिल्कुल अपना DSLR इफेक्ट लगने लगेगा। तो गाइस, अगेन हमें टूल्स में जाना है, और उसके बाद सिंपली सॉरी सेचुरेशन को हमें 100 करना है। सेचुरेशन को हमने 100 कर दिया है। उसके बाद हमें इसे सिंपली गैलरी में सेव कर देना है। तो यार, गैलरी में सेव करके आप एंजॉय कर सकते हो। तो आई होप यार गाइज, आपको वीडियो पसंद है। पसंद है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। यार कमेंट करो, तभी तो भाई की वीडियो चलेगी। तो गाइज, अगर आप इस तरीके से अपने खुद की फ़ोटो को DSLR इफेक्ट देते हैं तो वो ठीक से नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहेंगे तो। अगर अलग से वीडियो बना दो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो गाइज़, आई होप वीडियो पसंद आया। थैंक्स।